नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं ZEED न्यूज इंडिया। आसमान को छूने का सपना है एक छोटी आसमां का। कहा जाता है कि मुंबई सपने दिखाती है और सपनों को सच भी करती है। ये भी कहा जाता है कि काम अगर मेहनत और लगन से हो तो सफलता भी जरूर मिलती है, और इसकी जीती जागती मिसाल जो हमें देखने को मिल रही है वह है मुंबई के फुटपाथ पर रहने वाली एक छोटी आसमां, जिसके जिंदगी के सफर का शुरुआत जो है वो फुटपाथ से होता है, और ये सफर आगे कहां तक जाके खत्म होने वाला है ये किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि मुंबई सपने दिखाती है और उन सपनों को सच भी करती है। अपना पूरा बचपन मुंबई के फुटपाथ पर बिताने वाली आसमां का भी एक सपना है। उनके दादा मुंबई आए थे और फुटपाथ पर ही जिंदगी गुजारी। उनके पिता मुंबई में पैदा हुए। आसमां शेख का भी ऐसा ही कुछ सपना है कि वो अपने अब्बा को एक घर खरीद कर देना चाहती है। फुटपाथ पर रहने वाली आसमां का ये सपना है। कभी बरसात तो कभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई की। कहा जाता है कि मेहनत और लगन से कोई काम किया जाए तो सफलता भी जरूर मिलती है, और इसकी जीती जागती मिसाल मुंबई की रहने वाली आसमां शेख। आसमां के पिता सलीम शेख ने अपनी बेटी की कामयाबी पर कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी को 40% नंबर मिले हैं। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने सिर्फ पहली क्लास तक पढ़ाई की। फुटपाथ पर रहने वाले लोग शायद पढ़ नहीं पाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं यहाँ अपने पिता के साथ आया था और बचपन से ही यहाँ रह रहा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मेरी बेटी अपने जीवन को स्थिर और सफल बना पाए। आसमां ने भी अपनी जिंदगी का सफर फुटपाथ पर शुरू कर दिया है। उनका परिवार छोटे मोटे काम कर गुजारा करता है। आसमां के दादा और उनके पिता माता पिता खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई करने के लिए उसने कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। पढ़ाई करने के लिए मैं रात में स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल करती हूँ, और आम तौर पर मैं रात में पढ़ाई करती हूँ क्योंकि उस समय यहाँ भीड़ कम होती है। आसमां से जब पूछा गया कि बरसात के मौसम में वह किस तरह पढ़ाई करती है, तो उसने कहा कि हाँ, बरसात के मौसम में पढ़ाई करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पिता प्लास्टिक का शेड बना देते हैं। आसमां आर्ट्स स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करना चाहती है। आसमां ने यह भी कहा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन पाकर मैं बहुत खुश होंगी। कई लोग मेरी मदद के लिए भी आगे आए हैं और मुझे मेहनत से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसी है फुटपाथ पर रहने वाली आसमां की कहानी। यहाँ पे रहकर ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई बात से डर लगता है कि ऑनलाइन क्लास नहीं समझता है। कभी किए नहीं हम लोग, मेरा भाई ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो इसी के लिए यहाँ पे तो होता नहीं है। यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन बहुत है। यहाँ पे लाइट डिम लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है रात के अंधेरे में। यहाँ पे मोर्चा आता है तो पुलिस वाले लोग सबको मार के भगा देते हैं। तीन तीन दिन चार चार दिन तक का मोर्चा रहता है, कोई खड़े भी नहीं रह सकते। यहाँ पे पूरा पुलिस का बंदोबस्त लगा रहता है, तो यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ वहाँ घूमते रहना पड़ता है, तो वो दिन तो पढ़ नहीं सकते। कॉलेज जाने में डर लगता है। इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मैं कभी इतने बड़े लोग के बीच में नहीं गई। और मैं ऐसे गरीब, मैं उतने बड़े बड़े लोग से कैसा बात करूँगी। इसके लिए मैं ऑनलाइन क्लास ही देती, कभी कॉलेज जाके मैं कभी कोई दोस्त नहीं बनाई। शिक्षण मुळे आपल्याला काहीतरी पुढे जायचं आहे। माझ्यासारखा माझ्या मुळ्या बाळाचा हाल होऊ नको। देवाशी मी याच प्रकृतीने मी आभार करतो की माझ्या मुळ्या बाळाचा असा हाल होऊ नाही देणार मी, की त्याला शिक्षण भेटू आणि शिक्षणने तो मोठा होईल। आसमां की इस कड़ी मेहनत और लगन ने ये साबित कर दिया है कि हमें कभी भी दुनिया में अगर किसी को कुछ करके दिखाना है तो सिर्फ जरूरत है हिम्मत और जज्बे की। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर बड़ी से बड़ी खबर और इस तरह की कहानियां जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।